यूपी के जनपद कुशीनगर के खड्डा तहसील में हो रहे अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने में प्रशासन आखिरकार सफल होता दिखने लगा है, जिसका श्रेय जाता है गरीबी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध गुप्ता को। बताते चलें कि उक्त जनपद में अवैध बालू खनन की काली कारगुजारी को अंजाम दे रहे माफियाओं के खिलाफ गरीबी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, और साथ ही डार्क टाइम्स न्यूज ने अपने एक प्रोग्राम बहस सड़क पर में बालू खनन पर कुशीनगर की आक्रोशित जनता से सीधी बात भी की थी। झांगा के सर, हम एक बार अपना शुभ नाम बताएंगे। कृपा नारायण सिंह जी, आप बताएंगे सर कि सरकार अभी बीजेपी की है केंद्र में, यहाँ पर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और कई सारे लोग आप ही के जिले के बता रहे हैं कि अभी भी मोदी लहर चल रही है, तो क्या प्रतिक्रिया है आप? अभी भी मोदी लहर है, लेकिन यहाँ यूपी में मोदी लहर योगी के चलते थोड़ी सी कठिनाई में, योगी के चलते मोदी लहर कठिनाई में है। हाँ। क्यों ऐसा कह सकते हैं? इसलिए बालू खनन, मिट्टी खनन और भी जो प्रक्रिया है जी जी, वह सब बाधित है, और यहाँ प्रशासन अनर्गल उससे दोहन कर रहा है। परिणाम स्वरूप सरकार ने पहल की और जिलाधिकारी कुशीनगर की सक्रियता के बदौलत बालू खनन माफियाओं की धर पकड़ शुरू हुई। तब कहीं जाकर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन तथा आम जनमानस के संयुक्त प्रयासों की बदौलत अवैध खनन जैसे अति संवेदनशील मामले पर अंकुश लगा पाना संभव हो पाया। हम दिखाने का प्रयास करते हैं वो सब कुछ जिन पर निर्भर करती है आम जिंदगियां, जिन मुद्दों को आपके सामने लाना लाजमी होता है, जिस खबर की हर किसी को होती है दरकार, हर वो मुद्दा अब खुलेआम सड़क पर उठेगा, जिसका होगा आम जनता से सरोकार। कलम चलेगी निडर होकर, कैमरा चलेगा निर्भीक होकर, सच पूछेंगे कड़क कर, क्योंकि अब हर मुद्दे पर खुली बहस होगी, हर गली में और हर सड़क पर। जरूर देखें बहस सड़क पर, सिर्फ डार्क टाइम्स न्यूज पर। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।